अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पीछे हमारा बैग रखा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, और हम जा रहे हैं दोस्तों। हमारा छुट्टी हो गया ख़त्म, और आप लोगों को पता भी होगा कि आखिरी व्लॉग में मैंने जो बताया कि मतलब मैं छुट्टी में हूँ, जिद्दा में आया हूँ अपने फैमिली के पास। तो दोस्तों, इसलिए मतलब कि वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो मतलब कि थोड़े मसले हुए थे, मतलब थोड़ा बिजी भी था, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ रहे थे। और जब अभी आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए न्यूम के बारे में, कुछ पूछना है या फिर सऊदी अरब के बारे में कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हम आज जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रोड पे जा रहे हैं, और गाड़ी भी मेरा अपना नहीं है, गाड़ी भी किसी दोस्त का लिया हुआ है। जैसे कि बताया कि हमारा जो गाड़ी था उसका इंश्योरेंस नहीं है, हम लोग इधर उधर नहीं निकाल सकते, गाड़ी दोस्त का है। हम जा रहे हैं अभी न्यूम में, न्यूम के साइड में जा रहे हैं, और जहाँ पे हमें काम कर रहा था मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मानसिंह के पास। अगर आप लोग मानसिंह को नहीं जानते तो आप लोग मेरे पहले वीडियोस देख के जान सकते हैं कौन है मानसिंह। बाय द वे, मैं न्यूम में काम करता था, अगर आप नए हैं देख रहे हैं तो मैं न्यूम में काम करता था, और अभी छुट्टी पर था। अभी फिर से वापस हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, छुट्टी में जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है, रहिए वीडियो के साथ। अभी जाएंगे एयरपोर्ट में, देखते हैं कितना टाइम लगता है प्लेन में जाने का जिद्दा से। अभी हम जिद्दा में, जिद्दा से टोनियम, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आप लोग जुड़े रहिए वीडियो के साथ, बाकी इंशाल्लाह मज़े करेंगे, जैसे आप मज़े करेंगे वैसे मैं मज़े करूँगा, बाकी रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम आ गए हैं एयरपोर्ट में, ये एयरपोर्ट तक आ गए हैं। अभी ये हमारा भाई है ज़िया नाम का भाई, ये हम मुझे उतार के मतलब के ड्रॉप करके निकल जाएगा, और ये गाड़ी लेके घर जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? तो मैं यहाँ पे उतर के इस ये जो गाड़ी निकल रहे हैं हम, मैं यहाँ पर गाड़ी पार्क करके उतर के अंदर जाऊँगा, और मेरा भाई गाड़ी ले कर जाएगा। बाय द वे, ख़त्म हो गया, अभी ये जा रहे हैं, ये जाएंगे तो हम इनके जगह पे खड़े होंगे, और मैं अपना बैग लेके नीचे पीछे से निकल जाऊंगा। आप लोग देख रहे हैं हम अभी एयरपोर्ट में हैं, ये है न्यू एयरपोर्ट जिद्दा का, जिसको बोलते हैं न्यू एयरपोर्ट, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये न्यू एयरपोर्ट है जिद्दा का। अभी हम जा रहे हैं, तो हम हमारा जो है D2 में है चेक इन, तो वहीं पे जा रहे हैं। दोस्तों, हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पे बैठ के चार्जिंग में मोबाइल लगाए हुए, और बिल्कुल मोबाइल में चार्ज भी नहीं, आज घर में बिजली भी नहीं था, पता नहीं किस वजह क्या है बिजली जाने का। बाकी अभी हम जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम चार्ज लगा के बैठे हुए थे, तो सोचा आप लोगों को दिखा दें। तकरीबन एक मिनट, घड़ी तो देखना है ना, तकरीबन
طيران ناس XY0046 إلى الرياض. الرجاء التوجه فورا إلى البوابة رقم A18B. وشكرا. Ladies and gentlemen, this is the final boarding call for passengers traveling on FlyNAS flight XY0046 to Riyadh. Please proceed immediately to gate A18B. Thank you. तो दोस्तों मैं डर गया था क्योंकि हमारा फ्लाइट का नंबर 0049 है, लेकिन ये जिसको बुला रहे हैं ये 0046 है, तो हमारा 49 है, तो इसलिए मैं डर गया। तो मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि मैं थोड़ा डर गया। बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी एक घंटा बाकी है इंशाल्लाह, और फिर चढ़ेंगे जहाज़ पे और आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारा यहाँ पे मतलब कि जो हमारा फ़्लाइट है तकरीबन यहाँ से कितना बजे उड़ान भरेगा, हमारा फ्लाइट कितना बजे मतलब कि 6:40 में हम यहाँ से निकलेंगे, 8 बजे वहाँ पर तबुक में ही होंगे इंशाल्लाह, और 9-10 बजे इंशाल्लाह हम न्यूम में ही होंगे। ठीक है ना, रहिए वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद हमारा फ़्लाइट आ गया था, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो बस हम जा रहे थे जहाज़ पे चढ़ने, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और सोचा यहाँ का भी आप लोगों को नज़ारा दिखा दें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बस जहाज़ हमारे सामने ही था, और तकरीबन सेकंड टाइम था जो हम जहाज़ पे चढ़ रहे थे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम पता नहीं कितना। बाय द वे आप लोग समझ रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम जहाज़ की तरफ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम बैठ गए प्लेन में, और क्या बताऊं दोस्तों, ख़त्म करके आप लोगों से बात करते हैं। Just like the bad girl, and it's just the
at Railcar. On behalf of FlyNav and all the crew, we wish you a pleasant stay, and we express our pleasure to serve you aboard this ride. We look forward to welcome you soon on another flight, and thank you for your chosen FlyNav. Minutes later. पहुंचे गरम से और अभी जा रहे हैं. हमारा ड्राइवर आ गया है, हमें गाड़ी दे देगा. अभी उसका स्टोरी आपको बता कि क्या करेगा ड्राइवर. तो दोस्तों अभी हम आके एयरपोर्ट के बाहर बैठे हैं. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा वो स्टोरी क्या होने वाला है. वो स्टोरी ये है दोस्तों, वो जो बंदा मेरी जगह में काम कर रहा था, अभी वो ड्यूटी ख़त्म उसका, ठीक है ना. कल से मैं ड्यूटी पे जाऊंगा. और वो जो बंदा मेरी जगह पे ड्यूटी कर रहा था, तो वो बंदा कल से ड्यूटी नहीं देगा. वो अभी सिर्फ आएगा, मुझे गाड़ी देगा. जो गाड़ी मैं चलाता था, जिस गाड़ी पे मैं काम करता था, जिस गाड़ी पे मैं खाना लेके जाता था, वो गाड़ी अभी मैं चलाऊंगा, ठीक है ना. यहाँ से लेके निकल जाऊंगा, ठीक है ना. यहाँ से लेके निकल जाऊंगा तमीमी कैंप के लिए. अगर तमीमी कैंप का भी मैं टूर आप लोगों को कराया, मतलब कि उसका भी दो मैंने पार्ट अपलोड किया हुआ है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा, वो जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स रहते हैं. अभी वो बंदा आएगा, मुझे गाड़ी दे के मैं निकल जाऊँगा तमीमी कैंप के लिए. न्यूम में निकल जाऊँगा. वो बंदा इसी एयरपोर्ट से चला जाएगा रियाद में. उसका काम रियाद में है और वो ट्रेला का ड्राइवर है. अभी मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ. बाकी यहाँ तक था व्लॉग. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. दोस्तों हम लोग टेक ऑफ किया तकरीबन जिद्दा से 6:40 में, और यहाँ पे जब हमने लैंड किया तो 8:15 हो गए थे. तो मतलब कि 1.5 घंटा लगता है जिद्दा से तबूक आने में, और तबूक से न्यूम जाने में तकरीबन आधा घंटा लगता है. आधा घंटा किधर, 1 घंटा गाड़ी में लग जाता है. जो मेरे पास गाड़ी है उसका 1 घंटा लग जाता है तबूक से एयरपोर्ट से न्यूम का, जहाँ पर मतलब के साइट है, 1 घंटा या 1.5 घंटा लग जाता है जाने में. बाकी अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. न्यूम का अपडेट्स आप लोगों को आते रहेंगे. और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. न्यूम के बारे में कुछ भी सवाल है, कोई भी सवाल है, आप लोग पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह मैं एक दिन निकाल के सब कमेंट्स का जवाब दूंगा इंशाल्लाह. और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एक बार फिर. और अगर सऊदी अरब के भी बारे में कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं हाज़िर हूँ आप लोगों को जवाब देने के लिए. बाकी थैंक यू सो मच. बाय बाय.